कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा आज हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर उन्होंने अपनी बुआ की अस्थि विसर्जन की। अपने परिवार के साथ पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने मां गंगा का आचमन किया और उन्होंने कहा, पूरा परिवार आज एक साथ है, आज हमने अस्थि विसर्जन में मां गंगा के किनारे किया है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि आज सुबह ही प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई थी, जिसमें सुबह ही इंदिरा गांधी को याद किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या कोई भी देश को जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ ही इस युद्ध में भारत को सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। गांधी परिवार ने जो बलिदान दिया है पूरा देश जानता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बुआ जी हैं, उनकी अस्थि का विसर्जित था और आप देख सकते हैं कि हम जो रीति रिवाज होते हैं हमारे परिवार में पूरा उसका हम ध्यान रखते हैं। और ये लोग विदेश में रहते हैं पर वो यहाँ आए हैं गंगा स्नान और गंगा में अपना अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए। मैं यही कहता हूँ कि पूरा परिवार इकट्ठा है और रीति रिवाज समझता है और ज़रूर हम अपने तरीके से पूजा भी करते हैं। और प्रियंका और मैंने सुबह इंदिरा जी के बारे में बात की और सोचा और ज़रूर हमें पता है उन्होंने त्याग दिया है अपने पूरे देश के लिए और राजीव जी ने भी, और गांधी परिवार पूरे देश के साथ है, देश के लोगों के साथ है और दुख और दर्द में है उनके साथ।